जीते, जिंदाबाद जीवे जीवे पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान, जोर से बोलो पाकिस्तान, ऊंचा बोलो पाकिस्तान, मिलके बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। हम तो कराची के सपोर्टर थे, किसी की भी अच्छी नहीं लगी, इतना घटिया खेला उन्होंने, क्या ही बोले। बस मुल्तान के सपोर्टर मुझे चिढ़ा रहे थे, यहाँ पे पता नहीं कहाँ चले गए वो, बहुत दिल से बुरा लगता है जी। आज का मैच बहुत अच्छा था, और जिस तरह हम लोग आए हैं स्पेशली मलीरकंड से आए हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए, और हम तो कराची के सपोर्ट करने आए थे, लेकिन कराची की शुरू से ही आपको पता है परफॉर्मेंस सही नहीं हुई, तो चलो कोई नहीं, पहला प्लेयर है। लेकिन रिजवान, हम रिजवान को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रिजवान पाकिस्तान का वन नंबर प्लेयर है, और आज उसने साबित कर दिया है कि वाकई ही वो वन नंबर है। पहला मैच था, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि बस जिस तरह क्राउड बहुत कम था, मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच है, और जैसे हमने सोचा था कि जिस तरह टारगेट तकरीबन 180-190 के करीब होगा, बिल्कुल ही मतलब कम टारगेट था, मतलब बहुत मज़ा नहीं आया मैच देखने में। मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस सिर्फ शजील खान की लगती है, बाकी किसी की भी नहीं, क्योंकि मज़ा नहीं आया तमाम PSL का, कि जैसे पिछले साल मज़ा आया था PSL देखने में, क्राउड था, हर चीज़ थी, लेकिन इस दफ़ा खुआरी बहुत हुई है, जगह जगह पे नाके इतने लगाए हुए हैं कि बस क्या बताएं आपको। हाँ, वन साइडेड मैच था शुरू से, पर अफसोस है कराची हार गया, पर पहला मैच था, इंशाल्लाह वापस स्ट्रॉन्ग होगा, और इंशाल्लाह PSL इस बार हमारा ही है, कराची का ही है। मैच तो अच्छा लगा, तो जो किसी को कराची पसंद थी, किसी को मुल्तान पसंद थी, तो जीत क्रिकेट की है, जीत पाकिस्तान की है, जीत PSL की है, तो हम तो दोनों टीम को सपोर्ट करते हैं, जो जीतेगी हम उसको मुबारकबाद दें, मुल्तान जीत गई है तो हम मुल्तान वालों को मुबारकबाद देते हैं। ताज उसके सर पर डला हुआ था, आज भी ताज उसके सर में है, क्रिकेट में ऐसा होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बस थोड़ा सा कराची ने ढीला खेला, वरना तो मुकाबला होता, अगर 150 भी जाता, पिच बॉलिंग के हिसाब से थी, बैटिंग लाइन नहीं थी, पर हिट लग रही थी, बाबर आजम का बैट भी नहीं चला है, और सिंगल डबल पे कवर थे, एंड के ओवर तो जैसे टेस्ट मैच की तरह खेल लेते ये। मेटाटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए मेटाटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।